हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पनीर तो आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आप कभी भी गोभी का पनीर खाए हैं? तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ गोभी का पनीर। तो यहाँ पे मैं गोभी एकदम अच्छे से धो करके और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, ज़्यादा छोटा नहीं है, बस मीडियम साइज़ का काट ली हूँ और कुकर में रख दी हूँ। यहाँ पे मैं दो मीडियम साइज़ का प्याज भी मैं अच्छे तरह से छील करके और धो करके रख दी हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी छोटा ही गिलास से एक गिलास पानी, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी और कुकर का ढक्कन कर दूँगी बंद और इसको मैं रख दूंगी गैस पे। बस एक सीटी आने तक इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा सीटी लगने पे क्या होगा कि ज़्यादा ही गल जाएगा। इसको मैं निकाल दूंगी, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देखिए सीटी निकल चुका है। इसको मैं चम्मच की सहायता से एक एक करके गोभी निकाल करके और एक थाली में रखूँगी। ये थाली में रखने का एक वजह है क्योंकि जो भी इसमें पानी है वो थाली में ही रहेगा, इसीलिए मैं इसको निकाल करके पहले एक थाली में रख रही हूँ, उसके बाद कटोरी में डालूँगी। एक एक करके मैं निकाल दे रही हूँ चम्मच की सहायता से, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो हाथ लगाना इम्पॉसिबल है। और देखिए यहाँ पे मैं निकाल करके यहाँ पे रखती हूँ एक कटोरी, और उसमें हल्का ठंडा हो चुका है गोभी, और इस गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले एक थाली में रखी थी। और इसको मैं एक चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये तो गल चुका है तो बहुत सॉफ्ट हो गया है, तो इसको अच्छे से मैश करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एकदम बारीक मैं इसको अच्छे से फेंट ले रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा से एकदम एक फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम सूखा है, इसी तरह से रखना है। और इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच चावल का आटा। हाँ, इसमें आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बट बेसन से थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और इससे नहीं होगा, इसीलिए मैं इसमें एक चम्मच डाल दी और फिर आधा इसी चम्मच से आधा चम्मच डालूँगी इसमें चावल का आटा। बेसन का मैं यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बेसन का भी मतलब डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, इसमें थोड़ा ही नमक डालिएगा, मैं इसमें थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ। और इसको मैं इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। मैं नमक डाली हूँ स्वाद के अनुसार, और अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि चम्मच से अच्छा से मिक्स नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही टेस्टी बहुत टेस्टी लगता है पनीर, गोभी का पनीर। और अच्छे से मैं मिक्स करने के बाद इसको हाथों में एक बॉल की तरह ले लूँगी, और लेने के बाद पनीर के शेप में इसको अच्छे से कर दूँगी। देखिए किस तरह से मैं चरकोर बना रही हूँ, अपने हाथों से ही इसको शेप दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से बन करके तैयार हुआ है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये मतलब फट जाएगा या फिर नहीं, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी फटने वाला नहीं है। और इसी तरह से मैं सारे गोभी का पनीर बना करके तैयार कर लूँगी, और देखिए कितना अच्छा से एकदम परफेक्ट शेप बन करके तैयार हुआ है ना, एकदम पनीर की तरह। और इसी तरह मैं सारे बना करके तैयार कर ली, और यहाँ पे मैं रख दी थी गैस पे कढ़ाई, और उसमें मैं डाल दी हूँ तेल, 3 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ, तेल भी गर्म हो चुका है। और इसको मैं छलनी के सहायता से इसको चारों तरफ फैला दूँगी, इससे क्या होगा कि जो मैं डालूँगी तो मतलब चिपकेगा नहीं कढ़ाई में,
इसीलिए मैं इसको चारों तरफ से फैला दी हूँ। और इसमें मैं एक एक करके गोभी का जो पनीर बनाई हूँ वो डाल दूँगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी पलटना नहीं है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से फ्राई करना है। पलटना नहीं है मतलब हल्का अंदर से ब्राउन हो जाए उसके बाद ही पलटना है। और एक मिनट के बाद देखिए कितना अच्छा से ब्राउन हो चुका है और बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि हाँ, ये टूटने वाले में से पनीर नहीं है। तो इसी तरह से अब उलटते पुलटते इसको पका लूँगी। इसमें आप चाहे तो मतलब मिर्चा पाउडर या फिर हरा मिर्च भी डाल सकते थे पहले, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और जो बचा था वो भी मैं डाल करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और सारे फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल दूँगी। और देखिए कितना अच्छा से एकदम फ्राई हो चुका है और कितना सॉफ्ट बना है। और इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी जीरा। जीरा जब चटकने लगेगा उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे 2 तेज़पत्ता और छोटे छोटे टुकड़ों में मैं हरी मिर्च काट ली हूँ और 4-5 लहसुन को इस तरह से क्रश कर ली हूँ वो डाल दूँगी। जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं हरा मिर्च डालूँगी जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट ली हूँ। आप चाहे तो सूखा मिर्च भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ पे तीखा बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ इसलिए हरा मिर्च का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और ये भी थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो जो मैं प्याज उबाल करके रखी थी उसको मैं दरदरा पीस ली हूँ, उसको फाइन पेस्ट मैं नहीं बनाई हूँ, दरदरा पीस ली हूँ इसको और मैं डाल दूँगी। और देखिए मैं किस तरह से प्याज को दरदरा रखी हूँ और हल्का सा इसको भून लूँगी। और भूनने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, क्योंकि मैं मसाला भी ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मैं पकाऊँगी। आप लोगों को तो पता ही है मसाला जितना परफेक्ट भुनाएगा उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट उभर करके आएगा। मसाला मैं लो फ्लेम पर ही पहले भूनूंगी उसके बाद मीडियम फ्लेम करूंगी क्योंकि मसाला अच्छे से पक जाए। मैं ढककर के पका रही हूँ और बीच बीच में चलाते हुए मसाला अच्छे से पक गया है यानी तेल मसाला से अलग हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। जिस तरह से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस तरह से पानी ऐड कीजिए। मैं थोड़ा सा ही ग्रेवी रखना चाहती हूँ इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ। और इसको मैं ढक दूँगी एक उबाल आने तक। एक उबाल आने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि गोभी में भी नमक था तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा ही डालूंगी यानी मिक्स हो जाएगा दोनों में। और अच्छे से उबल चुका है यानी पक चुका है पानी। और इसमें जो मैं पनीर बना करके रखी थी वो मैं डाल दूंगी। और इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि यही एक मेन ट्रिक है इस सब्ज़ी का। जब भी आप ये सब्ज़ी बनाएं तो ये पनीर खाने से 5 से 10 मिनट पहले ही डालें। ये नहीं कि हाँ खाने के 1-2 घंटा पहले इसको बना करके रख दें उसके बाद खाएं क्योंकि गलने का डर रहेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हाँ आप खाने से 10 मिनट पहले ही
इसको डालें। हाफ ग्रेवी बना करके रख सकते हैं, गरम करके उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बना करके और बिना पनीर के पनीर बना करके तैयार कर सकते हैं। मेरे बताए गए तरीके यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए कितना सॉफ्ट बन करके गोभी का पनीर तैयार हुआ है। मैं आप लोगों को कट करके दिखा रही हूँ। और इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मैं बताई हूँ, 1-2 घंटा पहले ये पनीर ग्रेवी में डाल करके नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलने का डर रहेगा। तो इसी तरह से आप लोग बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।